आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है, आपने सुनी होगी। चार ठग थे, एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था। तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए, अलग जगह अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोले कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहां लेके जा रहा है। तो पहले ठग के पास से गुजरता तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता, अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये तो कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं। तो बोलता है, उसको भी डांटता, अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही। उसने फेंक दिया उसको, चारों ठगों का काम पूरा हो गया, शिवपाल जी भाग गए यहां से। लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट ने 27 में सपा चट के लिए तैयारी रख दी। जिस लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस ने किया था, आज उसी के साथ आप मिलकर के क्या काम कर रहे हैं और क्या करते रहे, क्या करते रहे आप लोग। तो हमारे बजट पर, हमारी सप्लीमेंट्री डिमांड पर आपने उंगली उठाई। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है, आपने सुनी होगी। चार ठग थे, एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था। तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं सर पर पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और अलग जगह अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोले कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहां लेके जा रहा है। तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है। तो पहले ठग के पास से गुजरता तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता, अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। हंसते हुए चुप हो जाता है। आगे अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये तो कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं। बोलता है, उसको भी डांटता, अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले आगे बढ़ता है, फिर तीसरा ठग मिल जाता है, वह भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही। उसने फेंक दिया उसको, चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया, आप कहां गए 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट ने 27 में सपा चट के लिए तैयारी रख दी। 27 में सपा चट, 1 लाख बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया। और मैं तो आप सबसे कहूंगा एक बार जाइए जनता जनार्दन के सामने, पूछिए उनको कि भाई 1 लाख का हिसाब मांगे इन लोगों से, पैसा गया कहां, कौन खा गया, खाने वाले लोग कौन है 1 लाख का। दूसरा संविधान का गला घोटने वाले लोग कौन थे, और कहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो संविधान समाप्त कर देंगे। मोदी जी तो 10 वर्षों से हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जितना सम्मान मोदी जी ने किया, पंच तीर्थों का निर्माण किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थल मऊ मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक का निर्माण किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए जहां उन्होंने अपने उच्च शिक्षा अर्जित की थी इंग्लैंड की, उस मकान को खरीद करके अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए
हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की और उसके लिए इंडिया हाउस के रूप में उसे स्थापित करके इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक स्मारक इंग्लैंड में भी बनवाया और स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। ये मोदी जी के कारण हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना सार्वजनिक जीवन दिल्ली के अंदर जिस मकान में रहकर किया था उससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाने का काम मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ बौद्ध धर्म यानी दीक्षा जहां नागपुर में जिस स्थल पर ली थी उसे भव्य स्मारक बनाने का काम मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चैत्य भूमि मुंबई को भव्य स्मारक के रूप में स्थापित करने का काम मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार ने किया। मोदी जी को आप यहां पे मोदी जी के बारे में गलत सूचनाएं देते रहे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने वाली कांग्रेस आज जनता को गुमराह करने में सफल हो गई है। वही पंचतंत्र की कथा मुझे याद आ गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।